हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जिसमें आपको राजस्थान के सभी विषय फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को एनरोल कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आ जाइए। देखिए, मैं यहाँ आपके लिए दो सिलेबस लेकर आया हूँ। ये RPSC के द्वारा पब्लिश किया हुआ फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। यहाँ रीट मेंस 2022 का सिलेबस है, जिसका एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सब कॉमन होते हैं सभी एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हों। अभी ये देखिए, फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंशिएंट कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, अहड़, गणेश्वर, बैराट। तो इसमें भी आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं, तो इसमें सेम यही पढ़नी है। हमने अपने चैनल पे इनके वीडियोस बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिन्होंने ये नहीं देखे हैं इनको कंप्लीट कर लीजिए। साथ साथ हमारे चैनल पे इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का एकीकरण, इसको भी कंप्लीट करके अपलोड कर दिया है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान, इसके भी सारे वीडियो, जैसे पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल मूवमेंट्स, पीजेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, इनके भी वीडियोज़ कम्प्लीट करके चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोसाइटी एंड रिलीजन में लोक देवता। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, आ जाइए स्टूडेंट्स। अब देखते हैं रामदेव जी। देखिए स्टूडेंट, रामदेव जी क्या हैं, पंच पीरों में से एक हैं। राजस्थान में ये बाड़मेर जिला है, यहाँ बाड़मेर में उड़का मैसूर गांव में इनका जन्म हुआ था। आ जाइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रामदेव जी पंच पीरों में से एक पीर हैं। इन्हें रूढ़िचारा धनी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुसलमान इन्हें रमसा पीर आदि के नाम से जानते हैं। ये देखिए, जो रामदेव जी हैं ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने वर्क किया था, आदि नामों से पुकारते हैं। एकमात्र लोक देवता जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म उड़का मैसूर गांव, शिव तहसील बाड़मेर में तवर राजवंश परिवार में हुआ था। इनके पिता कौन थे, अजमाल नाम था उनका, और माता जी का नाम क्या था, मीणा दे नाम था। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माता जी का याद कर लीजिए। बड़े भाई का नाम वीरम दे, बलराम का अवतार कहा जाता है, क्योंकि इनको कृष्ण का अवतार कहा जाएगा तो वो बलराम, बड़े भाई क्या होंगे, बलराम के अवतार हो जाएंगे। अपना पत्नी का नाम नीतल दे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम, पत्नी का नाम भी 50 बार एग्जाम में पूछा गया है। इनकी घोड़ी कैसी है, नीली घोड़ी है जिस काला व हरा मिश्रण रंग है, और इनको कई बार पूछा गया है। और इनके गुरु जी का नाम क्या था, बालीनाथ जी था इनके गुरु का नाम। देखिए, ये एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने क्या करा था, जीवी समाधि ली थी। ये एक कवि भी हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 24 बाणियाँ, उसमें क्या है, इन्होंने अपने उपदेशों के बारे में मेंशन किया है। तो ये आप 24 बाणियाँ कभी पढ़ सको तो पढ़ना जरूर। तो देखिए, और सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किनका है, रामदेव जी का ही है सबसे ज़्यादा लंबा गीत। आ जाइए स्टूडेंट, अब आगे से पढ़ते हैं कि रामदेवरा के मंदिरों को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। रामदेवरा बोल रहे हैं तो उसी में नाम आ रहा है देवरा। आप इससे भी याद कर सकते हैं कि देवरा किन के मंदिर हो गए, रामदेव जी के मंदिर हो गए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें पूजा कौन करता है, हिंदू करते हैं, मुस्लिम करते हैं, सिख करते हैं या क्रिश्चियन करते हैं, बताइए कौन करते हैं, या इनमें से कोई नहीं करते हैं। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए कृष्ण के अवतार हैं और मुस्लिमों के लिए ये झारपीर बाबा के रूप में पूजनीय हैं। आ जाइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये क्या है, मूर्ति विरोधी थे, तो इसीलिए इनकी मूर्ति की जगह इनके पागलियों की पूजा करी जाती है इनके मंदिरों में। इनके दो पागल्य होते हैं, एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अतः आज भी इनके पागल्यों की पूजा होती है। पागल्य मतलब पैरों में जो चप्पल पहनी जाती है उसकी पूजा होती है। इनके ध्वजा कितने रंगों की, 5 रंगों की होती है, जिसे क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। इनके पुजारी को क्या कहा जाता है, रखिया कहा जाता है। जो कौन सी जाति से आते हैं, मेघवाल जाति से आते हैं। और जो इनके तीर्थ यात्री होते हैं उन्हें जात्रु कहा जाता है, और जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। ये जात्रु क्या करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे, और उसे क्या कहेंगे, जम्मा कहेंगे। याद करने की कोशिश करिए, ज से जात्रु, ज से जम्मा, जात्रु क्या कर रहे हैं, जम्मा कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने मेघवाल जाति की है ना, डाली बाई को तो अपनी धर्म की बहन बनाया था, और साथ में इनमें डाली बाई के साथ ही सुगनी बाई, और इन दोनों को अपनी शिष्या बनाया था। ये इनकी शिष्या थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुगनी बाई, डाली बाई किसकी शिष्या थी, तो ये रामदेव जी की शिष्या थी। कामड़िया जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 13 ताली नृत्य को यूट्यूब पर देखिए, ये बहुत सुंदर नृत्य है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनका मंदिर समाधि कहाँ ली थी, रामदेवरा जैसलमेर में इन्होंने समाधि ली थी, और वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। भाद्रपद शुक्ल दूज है ना, सावन के बाद क्या आता है, भादो आता है, भादो की बात कर रहे हैं, शुक्ल दूज की बात कर रहे हैं। बाबेरी बीच से एकादशी तक इनका मेला भरता है, और ये बहुत 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 भव्य मेला, बहुत बड़ा मेला भरा जाता है। तो आप कभी टाइम मिले तो जैसलमेर जाइए और इनका मेला देख कर आइएगा।
आ जाइए आगे देखते हैं। तो इनका छोटा रामदेवरा गुजरात में है, राजस्थान का रामदेवरा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और इन्होंने समाधि कब ली थी, 1458 में इन्होंने समाधि ली थी, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। राजस्थान में लोक गीतों में सबसे ज़्यादा लंबे गीत किनके हैं, इन्हीं के हैं, रामदेव जी के ही गीत हैं। और एक नेतल दा भरता इनका ही गीत है वो, ठीक है, नेतल दा भरता याद रख लें। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, आ जाइए अब देखते हैं मांगलिया मीहा जी। देखिए ये आपके सामने मांगलिया मीहा जी, ये क्या है, ये भी पंचवीरों में से एक हैं। अपन ने पढ़ा था राम, कैसे याद रखा था, राम रा से रामदेव जी, माँ से मांगलिया मीहा जी, गोपाल गोगा जी, पा से पाबू जी, ल से कुछ भी नहीं था, ह से हड़बू जी, तो ऐसे पांच हो गए, 1 2 3 4 5 ऐसे याद रख लीजिए। आ जाइए देखिए मांगलिया मीहा जी, ये भी पंचवीरों में से एक पीर है। ये कांवड़िया पंथ से दीक्षित थे, ये जैसलमेर फौज की तरफ से राव रणंगदेव की भाटी के विरुद्ध लड़ने गए थे और वहाँ पर ये क्या है, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनका मुख्य मंदिर बापड़ी जोधपुर में है, कहाँ पर है इनका मुख्य मंदिर, बापनी जोधपुर, ये नाम याद रखना, थोड़ा क्लियर कर देना जिससे आपको दिखाई सके, बापनी जोधपुर, बापनी जोधपुर चार पांच बार बोलिए। मांगलिया मीहा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, देखिए सभी लोक देवताओं में जो पंच पीर हैं इनके आपको मंदिर इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। बापनी जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है किनका, मांगलिया मीहा जी का। देखिए जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है और इनके घोड़े का नाम क्या है, किरड काबरा, किरड काबरा, ये देख लीजिए, ये किरड काबरा इनका घोड़ा हो गया, किरड काबरा, इस तरह का नाम याद रखने की कोशिश करें तो याद रह जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, आ जाइए स्टूडेंट अब गोगा जी देखते हैं। देखिए गोगा जी भी पंचवीरों में से एक हैं, हमने पंचवीरों को याद करने की ट्रिक क्या बनाई है, राम बोलिए गोपाल है, तो हमने बोला था रा से रामदेव जी, माँ से मांगलिया जी, ग से गोगा जी, पा से पाबू जी और ह से हड़बू जी हमने याद करे थे। देखिए हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, इनका मेला कब भरता है, भादो की शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला भरता है। फिर हमने मांगलिया मीहा जी का देखा था, भादो की कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था और इस दिन इनका मेला भरता है। गोगा जी का हम देखेंगे, भादो की कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ है और इसी दिन इनका मेला भरेगा। तो हमने ये देखा ये तीनों कब हो रहे हैं, भादों में हो रहे हैं। इनका शुक्ल द्वितीय से लेकर दस तक था रामदेव जी का, और मांगलिया मीहा जी का था भादों की कृष्ण अष्टमी को, और गोगा जी को भादों की कृष्ण नवमी को, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसीलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ ये चीज़ें, है ना, आप इनको ऐसे ही मत लीजिए। आ जाइए इनके बारे में पढ़ते हैं हम एक एक करके, उससे पहले थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब देखिए गोगा जी ने गो रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी और सर्पदंश से मुक्तिदाता भी इन्हें माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्हें गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, हिंदू इन्हें नागराज, मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। और महमूद गजनवी में इन्हें किस नाम से पुकारा था, जहारपीर बाबा के नाम से पुकारा था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को चौहान गोत्र की राजपूत जाति में इन्होंने जन्म लिया था। कृष्ण भादो कृष्ण नवमी, ये डेट याद रखनी है आपको, हर तरीके से 50 बार एग्जाम में पूछी गई है। इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछर, पत्नी का नाम केलम दे रानी धीमल, गुरु गोरखनाथ और पुत्र केसरिया जी। गोगा जी की सवारी को नीली घोड़ी, ये नीले कलर की घोड़ी आपको दिख रही है गोगा जी की, तो बस याद रख लीजिए सवारी कैसी है, नीली घोड़ी है। इनकी नीली घोड़ी को क्या कहा जाता है, गोगा पप्पा कहा जाता है। और गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है, चायल, आप ऐसे कह सकते हैं मुस्लिम पुजारी क्या करते हैं, गोगा जी के पास बैठ के चाय पीते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, चायल कहते हैं। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, कौन से वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी को क्या बोला जाता है, कल्प वृक्ष, राजस्थान का कौन सा वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, खेजड़ी, शामी, जोंटी, इसके आदि नाम है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, आ जाइए स्टूडेंट अब पढ़ते हैं पाबू जी। देखिए स्टूडेंट्स आपको पंचपीर तो इतने ज़्यादा अच्छे से रटा दिए जाएंगे कि आप कभी नहीं भूल सकते। बोलिए राम गोपाल है, ठीक है, तो रा से रामदेव जी, माँ से मांगलिया जी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी और ह से हड़बू जी। आ जाइए अब देखिए रामदेव जी का मेला कब पड़ता है, हमने पढ़ा था भादों की शुक्ल द्वितीय से लेकर एकादशी तक रामदेव जी का मेला भरता है। फिर हमने मांगलिया मीहा जी पढ़े, मांगलिया मीहा जी का मेला भी भादों में ही पड़ेगा पर शुक्ल की जगह ये कृष्ण अष्टमी को भरेगा इनका मेला। फिर हमने गोगा जी पढ़े, गोगा जी का मेला कब भरता है, गोगा जी का मेला भरता है भादों की कृष्ण नवमी को। बस ऐसे ये तीन याद कर लीजिए। अब देखिए पाबू जी का मेला कब भरता है, पाबू जी का मेला भरता है, थोड़ा अलग पेन लेते हैं। अब आ जाइए स्टूडेंट अब देखिए पाबूजी का मेला कब भर रहा है, पाबूजी का मेला भर रहा है चैत्र अमावस्या को, पाबूजी का मेला प्रतिवर्ष भरता है।
अभी अब चैत्र अमावस्या कौन सा माह होता है? मार्च अप्रैल वाले मंथ को ही चैत्र अमावस्या बोला जाता है। तो इसमें अंधेरी रात है, चैत्र का महीना है मार्च अप्रैल, ऊँटों के देवता कौन? बाबूजी, इनका मेला भरता है। तो आ जाइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको साफ कर देते हैं एक एक करके। आ जाइए अब देखिए बाबूजी। बाबूजी पंच पीरों में से एक पीर हैं जिन्हें गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलू गांव तहसील फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिए। कोलू गाँव में किसका जन्म हो रहा है? बाबूजी का हो रहा है, ऊँटों के देवता हैं। और ऊँटों के देवता क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम राजस्थान में ऊँट कौन लेकर आए थे? बाबूजी ही लेकर आए थे। इनके पिता कौन हैं? धांधल जी राठौड़ हैं, माता कमला दे हैं, पत्नी फूलम दे हैं, सुप्यारा दे, घोड़ी केसर, कैसे कलर की? केसर कलर की घोड़ी है इनकी। कामली कह सकते हैं उनको। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किनको जाता है? इन्हीं को जाता है। अब देखिए रायका रेवारी जाति कौन सी होती है? जो ऊँट पालन का कार्य करती है वही, उसी को ही रायका रेवारी जाति कहा जाता है। और ये बाबूजी को अपना देवता क्यों मानती है? क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट कौन लाए थे? बाबूजी ही लेकर आए थे। और ये माना जाता है कि बाबूजी की फट पड़ने से ऊँटों के जो भी रोग होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनसे ऊँट अपने रोगों से लड़ पाते हैं आसानी से। जब कभी भी ऊँट बीमार पड़ता है तो इनकी फड़ राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय है, फड़ गई जाती है। ये बाबू जी ने देवल चारणी की गायों को अपने खुद के बहनोई से छुड़ाते हुए अपने प्राणों की बलिदान कर दिया था। इनके प्राण कैसे चले गए थे? क्योंकि ये जींद्राव खींची से लड़ने चले गए थे कि भाई तू उसकी गांठ छोड़, पर इसने मना कर दिया मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इन्होंने युद्ध करा, उससे युद्ध में क्या हुआ? इनके प्राण चले गए। इनका पूजा स्थल कोलू गांव, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है, ये अपन ने देख लिया। बाबूजी का मेला कब भरता है? मार्च अप्रैल माह में भरता है। कब? अमावस्या को, अंधेरी रात में, काली रात में, ऐसे याद कर लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हड़बू जी, ये देखिए जब अपन ने पढ़े थे राम गोपाल है, तो ये हड़बू जी, ह से हड़बू जी अपन ने पढ़े पंच पीरों में एक। तो हमने चार पीर पढ़ चुके हैं पहले ही, रामदेव जी, मंगलिया मियाँ जी, गोगा जी और पाबू जी। इनके मेले कब भरते हैं? रामदेव जी का मेला भरता है भादो की शुक्ल द्वितीय से लेकर एकादशी तक इनका मेला भरता है। फिर मंगलिया मियाँ जी का मेला देखा, ये कब भरता है? ये भी भादो में भरता है। कब भरता है? पर ये कृष्ण अष्टमी को भरता है। गोगा जी का मेला कब भरता है? गोगा जी का मेला भरता है, ये भी भादो में भरता है, ये भी कृष्ण पर ये नवमी को भरता है, एक दिन छोड़कर, ठीक है। और यहाँ पर बाबू जी का मेला कब भरता है? बाबू जी का मेला हमने देखा चैत्र, चैत्र मतलब मार्च अप्रैल माह में भरता है। कब? अमावस्या को, जब काली रात होती है, बिल्कुल। और हड़बू जी, अब देखेंगे हड़बू जी। आ जाइए अब हड़बू जी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हड़बू जी क्या है? ये रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ा था, रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं ये, है ना। इनका पूरा नाम क्या है? हड़बू जी सांकला है। हड़बू जी ये पांच पीरों में से एक हैं। इनका जन्म बुंडेल नागौर में मियाजी सांकला के घर में हुआ था। ये रामदेव जी के क्या है? मोसेरे भाई हैं। और इन्होंने बालीनाथ, जो रामदेव जी के गुरु थे, उन्हीं को ही अपना गुरु बनाया था और उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करने के कारण अच्छे योगी, सुकन शास्त्र के ज्ञाता, सन्यासी वे योद्धा बने। अपने अच्छे कर्मों और अपने अच्छे कृत्यों के कारण ये भी पंच पीरों की तरह पूजे जाने लगे। इनका मुख्य पूजा स्थल बंगेटी है, फलोदी जोधपुर में है, जहाँ इनके मंदिर, इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। क्योंकि इस गाड़ी में क्या लाते थे? गायों के लिए चारा लेकर आते थे और उसी की पूजा की जाती है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए स्टूडेंट, देखिए अपने पंचपीर कंप्लीट हो गए हैं, अब बाकी बचे हुए लोक देवता देखेंगे। उससे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन। जहारपीर के नाम से कौन से लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो कौन से लोक देवताओं को जहारपीर के नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को करना है आपको पॉज, 5 से 10 सेकंड में कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आपको ये अभी अभी पढ़ाया गया है तो आपको याद भी होगा। बाबू जी, आपके सामने चार ऑप्शन है, गोगा जी, केशरिया कंवर जी या तेजा जी, बताइए। तो देखिए अपन ने पंचपीर पढ़े हैं, तो पंचपीरों में से दो जने तो है ही नहीं, तेजा जी तो है ही नहीं, केशरिया कंवर जी भी नहीं है। अब बताइए गोगा जी हैं या बाबू जी हैं? और ये जहारपीर नाम किसने दिया था, ये भी आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है किसको दिया था नाम, तो बताइए। तो आई थिंक आपने इसका आंसर दिया होगा, कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए ये हैं गोगा जी, ग से गोगा जी, ग से मोहम्मद गजनवी ने इनको जहारपीर की उपाधि दी थी, उपाधि सम्मानित किया था। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो। बताइए राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था हड़बू जी का जन्म? गोगा मेड़ी में हुआ था क्या, नागौर में हुआ था क्या, खडनाल में हुआ था क्या, या जैसलमेर में हुआ था? देखिए आपको पता है, आपको क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज
और इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को कर दीजिए पॉज 5 से 10 सेकंड में, जल्दी से इसका आंसर लिखिए, जिससे हमें भी अच्छा लगता है। आप आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ बनाएं। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपने वीडियो को करा होगा पोज और इसका आंसर दिया होगा, अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, आ जाइए। तो देखिए, हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? भुंडेल नागौर में हुआ था इनका जन्म। कौन सी जगह? भुंडेल नागौर में। आ जाइए, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए स्टूडेंट, अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। बताइए, मारवाड़ के पंच पीरों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला गुगा जी, दूसरा मेहा जी, तीसरा रामदेव जी, चौथा तेजा जी। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को पॉज और इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। साथ साथ आपको ये बताना है कि इनका मेला कब कब भरता है। जैसे अपन ने रामदेव जी देखे थे तो इनका मेला कब भरता है, फिर मेहा जी देखे थे और गुगा जी। तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए पॉज और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे आप एग्ज़ाम में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर सकें। चलिए मैं आपको इनका आंसर बताता हूँ। देखिए, रामदेव जी का मेला कब भरता है, अपन ने पढ़ा था भादो शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला भरा जाता है। एकादशी मतलब 10 तारीख तक। मेहा जी का मेला कब भरता है, मेहा जी का भी मेला भादो में भरता है, पर ये कब भरता है, कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। गोगा जी का मेला कब भरता है, गोगा जी का मेला भरता है, इनका भी मेला भादो में भरता है, पर ये कब भरता है, कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। तो अपन ने ये चीज़ याद करी थी। और यहाँ पूछ रहा है मारवाड़ में पंचपीरों में से कौन से नहीं है, तो कौन से नहीं है, तेजा जी नहीं है, आपको पता है। आ जाइए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए स्टूडेंट, अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। बताइए, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, वह स्थान है। आपको स्थान आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्थान पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला राम सरोवर रुणीचा, दूसरा गोगा मेढ़ी भादरा, तीसरा सुरसरा अजमेर और चौथा पोकरण जैसलमेर में। तो आपको ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। साथ साथ इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि समाधि कब ली थी, ठीक है, कब बताना है। तो आपके लिए ऑप्शन है, पहला 1448 में, दूसरा 1458 में, तीसरा 1548 में, चौथा ऑप्शन 1558 में। तो बताइए, इन्होंने जीवित समाधि कब ली थी, ये आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए, और कहाँ ली थी, ये आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो देखिए, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।